दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और जडेजा को बेहतरीन बल्लेबाज मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट मैच के चौथे दिन विराट कोहली पहुंचे शतक के नजदीक तो रविंद्र जडेजा ने भी छक्के चौकों की झड़ी लगाकर ऑस्ट्रेलिया के छुटाए पसीने। आखिर क्या चल रही है मुकाबले की लाइव अपडेट, कौन पहुंच गया है शतक के करीब, किसने बनाए कितने रन, सब आपको लाइव वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि जडेजा, रोहित, कोहली और गिल में से कौन अच्छा बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसे कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट मुकाबले का चौथा दिन आज यानी कि 12 मार्च को शुरू हुआ, जहां भारतीय टीम की तरफ से विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने 289 रनों से पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। जहां इस बीच पूरा भारत विराट कोहली से एक शतक की मांग कर रहा था और वही हम सभी को बीच मैदान पर देखने के लिए भी मिला काफी लंबे अरसे बाद। वहीं हम आपको बता दें कि जब भारतीय टीम ने तीसरे दिन का मैच समाप्त किया था तब भारत का स्कोर 289 रन पर 3 विकेट था और यहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले टॉस जीतते हुए बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और 480 रन पहली पारी में भारत के खिलाफ बना दिए थे और तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारतीय टीम 191 रन पीछे थी ऑस्ट्रेलिया के बनाए गए 480 रनों से। लेकिन दोस्तों, अब भारतीय टीम बेहद ही नजदीक इस लक्ष्य के आ चुकी है, जहां विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने पारी को एक छोर से संभालते हुए मैच को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। वहीं दोस्तों, अब पूरा भारत उम्मीद लगाए बैठा है कि विराट कोहली ने अब शतक जड़ा ही है तो वो एक बड़ी पारी यहां खेलते हुए नजर आए और रविंद्र जडेजा उनके पीछे पीछे अपना शतक पूरा करें। लेकिन दोस्तों, अगर मुकाबले की लाइव अपडेट आपको बताएं, अगर आप भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट मुकाबले का चौथा दिन अभी लाइव अपने टेलीविजन पर देखना चाहते हो तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर मैच देख सकते हो और मुकाबले की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देखनी है तो वो हॉटस्टार ऐप पर दिखाई जा रही है। वहीं बात करें अगर मैच के बारे में तो दोस्तों आपको बता दें कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने जब पारी की शुरुआत की थी तो दोनों ही बल्लेबाज एक सफलतापूर्वक साझेदारी करते हुए नजर आ रहे थे और यहां पर 74 रन भी जोड़ बैठे थे। लेकिन यहां पर रोहित शर्मा ने खराब शॉट खेलने के चक्कर में मैथ्यू कोहिनमन की गेंद पर मार्नस लाबुशेन को आसान सा कैच थमा दिया, जिसके चलते रोहित शर्मा के रूप में ये एक बड़ा झटका भारत को लगा था, जो कि 35 रन बनाकर आउट हो गए। और दोस्तों, रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद फिर मैदान पर उतरे चितेश्वर पुजारा, जहां चितेश्वर पुजारा ने शुभमन गिल के साथ मिलकर शतकीय साझेदारी की और इस बीच शुभमन गिल के बल्ले से हम सभी को शतक देखने के लिए भी मिला, जहां उन्होंने 235 गेंदों में 128 रन जड़कर मुकाबले में पूरी तरह से भारत की वापसी करवाई और इस पारी में उन्होंने 12 चौके और एक छक्का भी लगाया। लेकिन यहां पर नाथन लियोन ने उनको 79वें ओवर की चौथी गेंद पर LBW आउट कर पवेलियन की राह दिखा दी और शुभमन गिल की पारी के समाप्त हो जाने के बाद मैदान पर आए विराट कोहली, जहां विराट कोहली से पहले ही चितेश्वर पुजारा का भी विकेट गिर गया था, जो कि 42 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। लेकिन दोस्तों, अब विराट कोहली और रविंद्र जडेजा से पूरे भारत को उम्मीद थी कि ये दोनों बल्लेबाज अच्छी साझेदारी करके टीम इंडिया के स्कोर को न सिर्फ आगे बढ़ाएं बल्कि भारत को एक बढ़त भी दिलवा दें। और दोस्तों, ऐसा ही होता हुआ नजर भी आया। जब विराट कोहली मैदान पर उतरे तब तो शुरुआत में थोड़े मौके भी बने उनके आउट होने के, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने वो मौके गंवा दिए, जिसका भरपूर फायदा विराट कोहली ने उठाया और कोहली ने यहां सबसे पहले तो तीसरे दिन ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था और ये अर्धशतक विराट कोहली के बल्ले से काफी अरसे बाद देखने के लिए मिला। और दोस्तों, अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद कोहली कहां रुकने वाले हैं, उन्होंने ऐसी बल्लेबाजी अपनी आगे भी जारी रखी जहां वो पहले अपने शतक के नजदीक पहुंचे तो वहीं उनका साथ निभा रहे रविंद्र जडेजा ने भी अब तक बखूबी पारी को संभाला है, जहां दोनों ही बल्लेबाज अच्छी साझेदारी करके टीम इंडिया को लगातार आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। बाकी आप सब यहां पर लाइव स्कोर कार्ड में भी देख सकते हो कि विराट कोहली और रविंद्र जडेजा का आज चौथे दिन के मैच में स्कोर अभी लाइव चल रहा है। बाकी यहां पर अभी विराट कोहली और जडेजा के बाद अभी भी भारत के पास बड़े से बड़े विकल्प मौजूद हैं, जैसे कि श्रेयस अय्यर का आना भी बाकी है, श्रीकर भरत मैदान पर आकर मुकाबले को कभी भी पलट सकते हैं और अक्षर पटेल, अश्विन, उमेश यादव, मोहम्मद शमी भी थोड़े बहुत रन बनाकर ही टीम इंडिया को 500 रनों के पार तो आसानी से पहुंचा ही सकते हैं। बाकी दोस्तों, अब उम्मीद तो यही है कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज जैसे कि मिचेल स्टार्क, कैमरॉन ग्रीन, नाथन लियोन और यहां तक कि टॉड मर्फी, मैथ्यू कोहिनमन को कोई मौका ही भारतीय बल्लेबाज देना और यहां पर जो अभी पारी विराट कोहली और जडेजा की चल रही है वो उसी पारी पर अमल करते हुए आगे बढ़ते रहे और टीम इंडिया को 500 के पार पहुंचाए। बाकी अब आप सभी की क्या राय है भारतीय टीम की ऐसी जबरदस्त बल्लेबाजी के बारे में और आप विराट कोहली के शतक को देखते हुए उनको 10 में से कितने नंबर दोगे? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।